नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम आज आपको एग्रीकल्चर का दूसरा हॉस्टल दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं SRK हॉस्टल मैंने कवर कर दिया था, वहाँ VT दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। और ये है, हम आज आए हैं बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल न्यू AG, मतलब ये एग्रीकल्चर का नया हॉस्टल है। एग्रीकल्चर के मेनली 3 हॉस्टल हैं। पहला हॉस्टल है SRK सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा हॉस्टल है बाल गंगाधर तिलक। आप देख सकते हैं रिसर्च स्कॉलर और मास्टर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। SRK जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उसको UG के लिए रखा जाता है, इसको PG और रिसर्च स्कॉलर के लिए रखा जाता है। तो आप समझ लीजिए, मैं आज आपको पूरी फैसिलिटी दिखाने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन पे हम रोज़ डिस्कशन करते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको पूरा एक यहाँ के छात्र से सारी क्यूरी सॉल्व करवाऊँगा। सामने मैं नज़ारे दिखाऊँ तो आभा गेस्ट हाउस करके कुछ नया यहाँ पे चल रहा है, और ये रोड है, वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब स्टेट बैंक है बगल में, जहाँ ट्रैक्टर के ठीक सामने, और वहाँ पे राम किनकर हॉस्टल राम किनकर बैच के नाम पे बना हुआ है, और उसका भी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। ये यहाँ पे स्टैंड फैसिलिटीज़ है, और यहाँ पे गेम खेलने के लिए कुछ फैसिलिटी दी हुई है। पीछे से ये डालमिया हॉस्टल कुछ ऐसा दिखता है, तो ये डालमिया हॉस्टल है। डालमिया हॉस्टल का भी आपको हम दिखाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि MSc ज्योग्राफी के लिए कौन सा हॉस्टल मिलता है, तो ये डालमिया हॉस्टल मिलता है। ये बैडमिंटन ग्राउंड फैसिलिटी है, लोग आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, बैठ करके बैडमिंटन देखिए भी, और अपने मतलब पारी का आने का इंतज़ार करिए कि हम अभी खेलेंगे। तो ये है हमारा हॉस्टल। हॉस्टल के आपको अंदर ले चलते हैं। दूसरी तरफ वॉलीबॉल खेलने के लिए है, मतलब इस तरफ बैडमिंटन खेलने के लिए बना हुआ है और उस तरफ वॉलीबॉल खेलने के लिए बना हुआ है। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि इधर वॉलीबॉल खेलने की फैसिलिटीज़ लगी हुई हैं, लड़के अच्छे से यहां पे वॉलीबॉल खेलते हैं। अंदर क्या क्या सुविधाएँ हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एग्रीकल्चर BHU और ICAR से संबंधित लोग यहीं पर रहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो ये है पूरा हॉस्टल, मैं आपको एक बार हॉस्टल अच्छे से दिखाता हूँ। एकदम बीचों बीच सामने खड़े होने के बाद हॉस्टल ऐसा दिखता है। अब हॉस्टल के अंदर चलेंगे। अच्छा, ये हॉस्टल कब का बना है लगभग? 1972 और 1952 का वो बना है, SRK बना हुआ है वो पहले का। ये नोटिस बोर्ड के लिए लगाया जाता है, ये नोटिस बोर्ड है जिसपे बच्चों को जानकारी दी जाए आने वाले सभी चीज़ों के सारे। अच्छा, ये जो कल्चरल फेस्टिवल होते हैं सारी चीज़ों की यहाँ पे स्लिप लगा दिए जाते हैं। एनुअल रिपोर्ट लिखा हुआ है सब पे। एनुअल रिपोर्ट है, आपको शॉर्ट टाइम नोटिस होती है या फिर और कोई कॉम्पिटिशन का इवेंट हो। अच्छा, ये अबाउट हॉस्टल के बारे में लिखा हुआ है। ये अच्छा, सब मेस और गार्डन भूल गए क्या? अच्छा, यहाँ पे ये वाईफाई बॉक्स है, लेकिन इसमें वाईफाई है नहीं, कहीं सेट होगा कहीं सेट, लेकिन पूरा हॉस्टल वाईफाई है। पूरा हॉस्टल वाईफाई है, देखिए राउटर लगा हुआ सारे फ्लोर में वाईफाई है, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा भी है। अच्छा, ये लॉबी इतनी ही लंबी दी जाती है? लॉबी इतनी लंबी है, लॉबी वो बेसिकली दूसरी वाली ज़्यादा लंबी है। और लॉबी के जस्ट सामने एक गार्डन देते हैं, गार्डन है प्यारा सा। साइकिल वाइकिल लोग अंदर भी खड़ा कर सकते हैं आराम से, साइकिल आप अंदर खड़ी कर सकते हैं, बट बाइक आप बाहर खड़ी कर, बाइक आप बाहर खड़ी करेंगे। चलिए आपको कुछ यूनिक चीज़ दिखाते हैं BGT में, यूनिक पूरे BHU का भी दिखेगा नहीं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एनिमल का स्ट्रक्चर है, प्लांट से बना हुआ है। अच्छा, ये प्लांट्स हैं, देखने में भी लग रहा है। ये क्या, ये गैंडे का बना हुआ है? जो समझ लीजिए, हमको तो लगता है बुल ही है। बुल, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कटना चाहिए एक बार इसको। आगे आए उधर तो आपको क्लियर दिख जाएंगे, जितने भी दिख रहे हैं सारे एनिमल्स के आपके स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो पेड़ लगाए जाते हैं ये कम से कम बहुत पुराने होते हैं पेड़, तभी जा करके इतना बोनसाई टाइप का बन जाते हैं धीरे धीरे। नहीं, ये पुराने नहीं होते, ये एक्चुअली ये पेड़ जो होता है ना, ये हेज के लिए काम ही आता है। ओ ठीक है, जितने भी पेड़ लगे हैं ये इस टाइप के मुराया फैमिली के होते हैं। अच्छा, ये मुराया फैमिली के होते हैं, और ये हेजिंग के काम में ही आते हैं। डिजाइनिंग में जो आप चाहेंगे वैसा डिज़ाइन आप इसको दे सकते हैं।
अच्छा, एक बार डिजाइन देने के बाद कितने दिन में डिजाइन बिगड़ जाता है? फिर से प्लांट ग्रोथ, उसका ग्रोथ हो जाएगा, फिर अपेंडिजेस निकल जाता है, तो सही नहीं लगता। आप देख रहे हैं अभी इसका छटाई वटाई हो जाएगा तो ये बहुत प्यारा लगता है। हाँ, ये तो प्यारा लगेगा। ये जो फर से निकल गया नए, ये एक प्लेन में काट देंगे इसे तो ये पूरा स्ट्रक्चर में अच्छा से दिखेगा आपको। हाँ, जैसे कि एस्थेटिक वैल्यू बढ़ा, ये दिख रहा है ना, ये डार्क है, ये लाइट है, तो ये लाइट वाला हमको लगता है अभी निकला है। हाँ, ये लाइट वाला अभी नया पत्ता है। अच्छा, यहाँ से देखने में उसी एंट्रेंस गेट से हम लोग एंटर किए हैं और अभी पूरा हॉस्टल देख सकते हैं। बादल बहुत पानी बरसने वाला होगा, जो भी होगा, लेकिन इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे हम। अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है एक वहाँ पे, काफ़ी बड़ा पेड़ है। आम है, आम का भी पेड़ लगा हुआ है, बेल का भी पेड़ लगा हुआ है। पूरे गर्मी की पूरी व्यवस्था है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर तो दिखेगा। अच्छा, ये आएंगे थोड़ा सा हम लोग मेस देख लें एक बार। अब ये सीधा, मतलब हम वहाँ से एंटर लेते हैं और हमको डायरेक्ट सीधा मेस दिखता है। मेस एंड कैंटीन बोथ इनसाइड, दोनों यही है। अच्छा, यहाँ पे बेसिन सुविधा, काफी सफाई है। एग्रीकल्चर्स के हॉस्टल हमेशा कंपटीशन में नंबर वन पे ही आए। और ये भी हॉस्टल नंबर, एसआर के लोग बताते हैं कि नंबर वन नंबर टू, लेकिन बीजीटी भी आया है। ये है मेस, एसआरके का मेस है ना, ये मेस है, ये है कैंटीन। थोड़ा कैंटीन खोलो, पहले कैंटीन देख लेते हैं। कैंटीन की कुछ झांकियां हैं जो कि अभी बंद पड़ी हुई हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन जब चलता है तो बच्चे यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ पे भी सब साफ सफाई है, फ्रिज भी रखा होता है। अच्छा, ये फ्रिज अपने से रखते हैं लोग की? नहीं, ये हमारे हॉस्टल से मिलती है। हॉस्टल से मिलती है जी। लगभग यहाँ बोल रहे थे चार में से एक इधर, एक इधर। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं तो 45 रुपए में खाना तो हर जगह मिलता है भाई। तो यहाँ क्या खास है 45 रुपए में? जैसे कि हर जगह 45 रुपए में मिलता है, लेकिन हर जगह वैसे पहले 40 था, फिर 45 में 50 हो गया। अच्छा जी, यहाँ 45 रुपए में अभी जैसे कि लगभग 5:30 बंद चल रहा है, तो अभी 45 में मतलब बेस्ट आपको बीजीटी बाल गंगाधर तिलक में दाल चावल सब्जी रोटी सलाद अचार अकॉर्डिंग टू डे बाई डे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा खाना खिलाया जाता है। हाँ, पानी भी ठंडा देते हैं। हाँ, पानी भी ठंडा दे रहे हैं। ये मेस है, मेस के अंदर का पार्ट है। अब हम मेस से बाहर चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। वही सेम, वही होगा सेम टू सेम। किचन, ये मेस है, ये हमारे मेस महाराज भाई जैसा ही जाता है। दादा बहुत दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मेस वालों को रहने के लिए सुविधाएं दी होती है? यहाँ बर्तन साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए बैठ के चाय पी सकते हैं। अच्छा, यहाँ बेसिकली लेबर्स जो यहाँ पे काम करते हैं उन्हीं के लिए जगह दी जाती है। और चलेंगे अब यहाँ से मेस से बाहर। मेस लगभग बहुत बड़ा है। अच्छा, दरवाजे दो हैं लेकिन चार मेस क्यों बोल रहे थे लोग? चार मेस पहले चलता था, पहले चलता था, दो फंक्शनल नहीं है कोविड की वजह से। तो दूसरे फ्लोर पे भी मेस होगा कि बस एक ही फ्लोर पे? नहीं, मेस है, बस आपके मेस की व्यवस्था नीचे नीचे है, बाकी सारे ऊपर आपके रूम से। वो सामने सीधा फर्स्ट फ्लोर पे कॉमन रूम है। कॉमन रूम, अच्छा, जिस कॉमन गेट से एंटर किए हैं उसी के ऊपर ऊपर वो कॉमन रूम है। कॉमन रूम दोस्तों वही है जो आधा पेड़ से ढका हुआ है और आधा खुला हुआ है, सामने सीधे एकदम। और यहाँ से कुछ हम ऐसा देख सकते हैं, इसको आप जूम आउट करके दिखा सकते हैं, वहाँ पैनल लगा रहे हैं। सोलर पैनल सभी हॉस्टल के ऊपर सोलर पैनल लगा, मैंने स्पेसिफिकली उस पर एक काम किया था। अब क्या, अगर एक बाथरूम देखेंगे हम लोग, एक कोई वॉशरूम,
बेसिकली आप अभी पीएचडी की लॉबी में चल रहे हैं। अच्छा, ये पीएचडी नीचे और... का पूरा जो लॉबी है वो पीएचडी की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। अच्छा, और ऊपर वाले एमएससी लोग रहते हैं? ऊपर वाले में एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अच्छा, सिर्फ एमएससी और पीएचडी? यप, दो तरीके के लोग रहते हैं। और बीजीटी में बस आपको मास्टर्स और पीएचडी। पीएचडी खराब पड़ा वाटर कूलर। वाटर कूलर तो हर जगह का यही हाल है, हर हॉस्टल में वाटर कूलर। गेट के पास लगा है वहाँ से। तो हम लोग बाथरूम में आएंगे, काफ़ी नया साफ सफाई हो। चलते चलते ये बारिश का मौसम है, किचकिच हो गया होगा थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे दो बेसिन लगा हुआ है, दो बाथरूम करने के लिए लगा हुआ है। अच्छा, एक बाथरूम में क्या क्या देते होंगे? एक शार देते हैं और ये एक नल देते हैं जी, और शार को ऑपरेट करने के लिए देते हैं जी। नहीं तो किसी किसी में आपको गीजर की भी व्यवस्था मिलती है। गीजर की व्यवस्था तो सारे हॉस्टलों में मिल रही है ना? हाँ, मतलब एक एक ही वॉशरूम में होता है। पीएच कैंडिडेट्स सबसे बढ़िया है ये। पीएच कैंडिडेट्स के लिए जितने भी फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं वो इस तरीके से बैठते हैं, ऐसा कुछ बनाया गया इनके लिए। वो अभी नॉन वर्किंग अभी, मतलब कोई बच्चा है नहीं। अच्छा, कोई पीएच का बच्चा अभी तक इसमें नहीं है? पीएच में कोई नहीं, ये नहाने के लिए पीएच के। जी जी। तो बगल में ये है, बगल में नहाने का है। बाहर ये पीछे की तरफ से बोल सकते हैं कि हॉस्टल कुछ ऐसा दिखता है, जंगल झाड़ियाँ हैं। ये सब रोमांस चलते रहते हैं, क्या किया जाए। वो गीजर लगा हुआ है। अच्छा, गीजर का पानी डायरेक्ट जाएगा कि ले करके जाना होता है? नहीं नहीं, आप यहाँ से निकलेगा पानी गीजर का। ये एक टोटी लगी होती है, फिर वहाँ से आप एक उसके निकाल सकते। अच्छा, ये अंदर ही अंदर सुविधा कर दिया गया। आर्ट फैकल्टी में ऐसी बाहर ही है एक्सपोज? नहीं नहीं, ये आपका वाईफाई का सेटअप जो आप पूछ रहे थे बाहर, गेट खरीदा है। हाँ, मतलब कोने कोने में वाईफाई हॉस्टल के पहुँच जाता है। इनफैक्ट आप वॉशरूम में भी बैठ के आराम से फोन यूज कर सकते हैं। फोन यूज कर सकते हैं, वाईफाई की सुविधा बहुत अच्छी है। अच्छा, पपीता का भी पेड़ लगा हुआ है इसमें तो? जी, सारी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप दिख जाएंगी आपको, जितने भी फल ये आम के पौधे हैं। आम, पपीता, अमरूद, जामुन भी दिया हुआ है, सब कुछ है। बेल भी लगा दिए हैं, बेल तो हम लोग पहले बता चुके हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप दिखेंगे आपको मैक्स। अच्छा, ये मतलब कुछ स्पेशल होते हैं कि नॉर्मल ही होते हैं, एज यूजुअल जैसे लोकल पाए जाते हैं? अगर ये इसको अगर प्लांटेशन कराई जाती तो बेसिकली हाइब्रिड से बचा जाता है, क्योंकि हॉस्टल के अंदर हमें एस्थेटिक वैल्यू चाहिए। एस्थेटिक वैल्यू, आपके जो पेड़ आते हैं वो छोटे आते हैं, बौने आते हैं, बड़े पेड़ों से एस्थेटिक वैल्यू आपकी ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए हम लोग देसी वैरायटी लगाते हैं वृक्ष में। अगर लेकिन अगर बात करें हम फूलों की तो यहाँ पर हम हाइब्रिड यूज़ करते हैं। अच्छा, एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या नॉर्मल में बिलीव करते हैं या मतलब हाइब्रिड में? हाइब्रिड काऊ का मिल्क पीना चाहेंगे कि देसी काऊ का मिल्क? डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन, हाँ। हाइब्रिड, अगर हमें देसी गाय का दूध सस्ता मिल रहा है तो हम उसको खरीदेंगे। अगर हाइब्रिड का हमें सस्ता मिल रहा है, दाम तो दोनों का प्रोटीन कंटेंट तो वही है, प्रोटीन न्यूट्रिशनल कंटेंट भी सेम है, हाँ। तो हम बेसिकली स्विच करेंगे प्राइस के हिसाब से। देसी के हिसाब से उसका प्राइस ज़्यादा है तो हम इस पर स्विच करेंगे, इसका ज़्यादा उस पर स्विच करेंगे। बेनिफिशियल क्या है शरीर के लिए? बेनिफिशियल तो देसी है सर, देसी है। इनफैक्ट मिल्क तो बेनिफिशियल है, चाहे बकरी का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में ये बोल सकते हैं कि कोई भी क्रॉप, कोई भी चीज़ अगर हम हाइब्रिड लेते हैं तो हाइब्रिड हाइब्रिड होता है, देसी देसी होता है। हाइब्रिड हाइब्रिड होता है, देसी देसी होता है, बात सही है। दोनों एक अलग चीज़ है। अच्छा, ऊपर जाते हैं इसी तरीके से, एक बार ऊपर चलेंगे बस, ऊपर से एक बार नीचे का गार्डन देख लिया जाए। काफी अच्छा बादल देख रहे हैं इसमें। ये बीजेपी की खूबसूरती में चार चांद लगाए पड़ा है। अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा मिलता नहीं है जल्दी। अमरूद मतलब काफी, वो जो आपका बेल का पेड़ है वो तो छत तक चला गया है। जी जी जी, वो देसी है ना, ये हाइब्रिड होता तो उतना लंबा नहीं होता। उतना लंबा नहीं होता है क्या? हाइब्रिड होता इन सब के साइज एंड शेप में आता बस, ज़्यादा बड़ा। ये तो मुझे हाइब्रिड लग रही है, ये पौधा जो है, ये पौधा ना, हाँ पौधा हाइब्रिड।
हाइब्रिड बोनसाई की तरह एकदम खिल जाते हैं, छोटे पे ही आम वाम देने लगेंगे। सही है, तो बच्चों को मेस के साथ साथ फल फूल की भी सुविधाएं हैं, फल फूल की भी खा सकते हैं। हर हॉस्टल में थोड़ा बहुत लगा दिए हैं, लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। हम लोग रोज मतलब अपने हॉस्टल से नीचे उतरते हैं तो पहले दो अमरूद खा लेते हैं तुरंत, वो तो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। तो एक बार हम लोग चलते हैं रूम में, तो हम अब रूम देखने वाले हैं। रूम हमारे पीछे है जस्ट यहाँ पे, और रूम के जस्ट सामने लॉबी में आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखता है, और इसके बाद हम रूम आएंगे देखने के लिए। बाल गंगाधर तिलक का ये रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी खिड़की दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी बड़ी खिड़की है, और कॉपी किताब रखने के लिए अलमारियाँ भी दिए गए हैं, कपड़े लटकाने के लिए भी दिए गए हैं। ये कवर्ड दिया गया है BHU की तरफ से, स्विच बोर्ड अलमीरा नॉर्मल है, ये अंदर फिक्स्ड है पूरा। अच्छा, और ये एक ही बोर्ड दिया गया है जी? एक नहीं, दो बोर्ड दिया गया है। अच्छा, दोनों बोर्ड गवर्नमेंट ने दिया है, तो दो बोर्ड दिया है, तो लगता है दो लोगों के लिए रूम बना था, दो लोगों के लिए रूम बना था। ये हॉस्टल कब का बना है? 1972 अप्रॉक्स का बना हुआ है। तो 1970s के जितने भी हॉस्टल हैं उनके रूम छोटे बनाए गए थे, मुझे लगता है एक लोगों के लिए। खिड़की के बाहर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा मौसम है, और आप डायरेक्ट रूम में आइए। इतना बड़ा रूम है, एक पंखा दिया गया है अच्छा सा, ये सब रूम की बनावट है। थैंक यू। करिएगा तो दोस्तों, हमने सारी हॉस्टल की गतिविधियां कवर की, गार्डन भी दिखाया, मेस भी दिखाया, बाथरूम भी दिखाया, ऊपर से कैसा दिखता है हॉस्टल वो भी दिखाया, सारे जितने पौधे लगे हुए हैं, और ख़ासकर एग्रीकल्चर का है इसलिए स्पेसिफिक चीज़ों पर भी बात की गई कि हाइब्रिड पौधे क्या हैं, क्या नॉर्मल है, बोनसाई क्या होता है, सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी बातें की गई। अब हम जो डायरेक्ट बातें करने आए हैं वो अपने टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे। सभी जो छात्र हैं यहीं पे रहते हैं, ये हमारे सीनियर हैं, आप लोगों के भी सीनियर ही रहेंगे अगर आप वीडियो रिसर्च देख रहे हैं तो। ये भैया रिसर्च स्कॉलर हैं, एग्रीकल्चर में रिसर्च करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने थोड़ा हमको समय दिया इस यूट्यूब चैनल के लिए। अच्छा, ये आप हॉस्टल में, हॉस्टल की टाइमिंग क्या होती है, मतलब हॉस्टल के बारे में कुछ बताएंगे आप? जनरली देखिए, रात को टाइमिंग मतलब 10 बजे के बाद इसका लॉक लगा दिया जाता है, वैसे मतलब आने जाने के लिए मतलब ऐसे ज़्यादा कोई ऐसे प्रतिबंध है नहीं, इमरजेंसी कंडीशन में आप जा सकते हैं किसी से बात करने के लिए। अच्छा, हम जा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा। लेकिन हाँ, खासकर बात करें बॉयज़ हॉस्टल की, तो बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि लॉक लगा दिया जाए, लॉक लगा देते हैं। नहीं, वो सेफ्टी के लिए लॉक लगा देते हैं, लेकिन फिर गार्डन में बोलने से वो खोल देते हैं, खोल देते हैं कभी भी। हम अच्छा, यहाँ पे साइकिल और बाइक कोई रखना चाहे, कार रखना चाहे, तो क्या रख सकता है? हाँ, पार्किंग के लिए बाहर टू व्हीलर्स के लिए बाहर पार्किंग बनी हुई है, वहाँ आसानी से रख सकते हैं। और कार के लिए रखने के लिए मतलब वैसे स्टूडेंट लाइफ में मेरे को नहीं लगता कि कोई एक कार को मेंटेन कर सकता है, कार को मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए कार को नहीं रखा जाता, कार को नहीं रखा जा सकता। मतलब यहाँ पे स्टैंड फैसिलिटीज दी हुई हैं, अच्छी दी हुई है, बाहर पार्किंग है। अच्छा, ये ग्राउंड एंड गार्डन, ग्राउंड तो मैंने दिखा है, ये सामने ग्राउंड है पूरा, ये हॉस्टल का ग्राउंड है, मतलब ये गार्डन है, गार्डन आपका कोई ग्राउंड है आप लोगों का? एग्रीकल्चर ग्राउंड है, आप यहाँ से जाइए, हेल्थ सेंटर के पीछे वाला ग्राउंड हमारा है, हेल्थ सेंटर के पीछे जो ग्राउंड है वो आपका है। उसमें मतलब क्या क्या खेल खेल सकते हैं हम वैसे? उसमें लॉन टेनिस खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, कबड्डी क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, सब मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसमें अवेलेबल है। और हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम लोग कुछ कुछ APL वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं क्रिकेट की टीमें, तो वहाँ ही वहीं पे सारा कुछ वहीं पे करते हैं। साहस के दौरान APL सब ऑर्गेनाइज किया जाता है। साहस क्या है? स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि एनुअली ऑर्गेनाइज होता है, पिछले 2 साल से लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये मैंने आपका रूम दिखाया, तो मतलब पूरे हॉस्टल में मान लीजिए कोई भी रूम मैं दिखाता हूँ, तो क्या रूम में कोई कमी है, कोई और चीज़ लगानी चाहिए जिससे छात्र में मतलब और भी ज़्यादा सुविधा बढ़े?
बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सुविधाएं देना ठीक नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये सुविधाएं जितनी दी गई हैं जितनी दी बहुत काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। अच्छा, तो अटेंडेंस फैसिलिटीज़ हैं क्या यहाँ पे? अटेंडेंस लगा करके आप बाहर जाएँ आएँ, या फिर कोई नया आता है तो अटेंडेंस लगाता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बाहर जो गार्ड हैं उनके एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो, तो उसमें आने जाने के लिए दौरान आपको मतलब लिखना पड़ता है। अच्छा, और बाथरूम फैसिलिटीज़ यहाँ की कैसी है आपको, मतलब संतुष्ट हैं आप लोग? यहाँ की सबसे अच्छी, सबसे अच्छी है, मतलब तीन दिन के बाद हमेशा साफ। अरे सुना है हॉस्टल नंबर वन पे भी आता है, साफ सफाई और सबके माध्यम से। आप मतलब ये बाथरूम वगैरह देखिएगा तो मतलब कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अच्छा, इतना ज़्यादा ये दिया होता है? आप देखिएगा, बहुत अच्छा है। गीज़र वगैरह की भी सुविधा है, और गर्म पानी के लिए सर्दियों में, और लाइट्स वगैरह, मतलब लाइट्स 24 आवर्स। हाँ, टाइल्स वाइस लगा के रिनोवेट किया गया आई थिंक। मतलब इससे भी अच्छा फर्श वहाँ का बनाया गया है, बाथरूम का बनाया गया है। ये तो 1972 का फर्श है। अच्छा, ये जो पुराने जमाने में ऐसे बनता था। वॉशरूम हमारा सारा रिनोवेट हुआ है, रिनोवेटिव है। अच्छा, हेल्थ तक की क्या फैसिलिटीज़? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, किसी की हेल्थ गड़बड़ होती है, ऑन द स्पॉट कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे में। स्टूडेंट्स का हेल्थ कार्ड है, उसको लेके आप तुरंत, अगर मान लीजिए हेल्थ सेंटर 2 बजे तक खुला है, अगर बंद हो गया तो आप इमरजेंसी में डायरेक्ट चले जाएंगे। सर सुंदर लाल इमरजेंसी है, मतलब BHU का हॉस्पिटल भी है अपना। उसका कार्ड है हम लोग का। BHU के लगभग 2-3 हॉस्पिटल है मैंने सुना है, ट्रॉमा सेंटर है। स्टूडेंट्स का हेल्थ कार्ड पे कहीं भी आप, मतलब BHU में कहीं भी दिखा सकते, कहीं भी दिखा सकते हैं डिपार्टमेंट में। अच्छा, हॉस्टल इन्वायरमेंट मतलब कैसा है माहौल यहाँ का? यहाँ का इन्वायरमेंट सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। सारे फ्रेंड्स आपस में कोऑपरेटिव रहते हैं, और मतलब किसी भी समस्या में या किसी कोई भी प्रॉब्लम, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, जूनियर सीनियर एक लिंक में हमेशा खड़े होते हैं। अच्छा, फीस क्या होती है? अगर इसमें सिर्फ रिसर्च स्कॉलर और MSc वाले लोग रहते हैं तो एक साल की फीस क्या होती है? अगर आप मतलब सेशन स्टार्ट होता है जुलाई से, तो 5000 के अराउंड होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल का 1500 रुपीज़ देना पड़ता है। अच्छा, मतलब एक बार 5000 देना पड़ेगा, उसके बाद फिर 1500 रुपये देना, बस एक सेमेस्टर के बेसिस पे होता है, सेमेस्टर के बेसिस पे फिर होता है। और ये मनी कुछ वापस भी मिल जाता है? हाँ, बाद में कौशन मनी के नाम पे इसको वापस दे देते हैं। तो ये कितना पैसा 5000 में से वापस कर देते होंगे लगभग? ये 2500 रुपये मिल जाता है। अच्छा, 500 होता है फैन चार्ज, 100 रुपये होता है हॉस्टल का सिक्योरिटी चार्ज, और 1000 रुपये होता है मेस डिपॉजिट, सर मेस सिक्योरिटी होता है, मेस सिक्योरिटी का भी जमा करते हैं। तो 2500 हम लोग को वापस मिल जाता है। अच्छा, ये PH फिजिकली हैंडीकैप जो छात्र होते हैं, मैंने देखा उनके उनके लिए बाथरूम में बहुत अच्छी सुविधा बनाई गई है, तो मतलब यहाँ पे रहते हैं लोग ऐसे लोग, संतुष्ट हैं वो भी? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं आता उनको। अच्छा अच्छा, ये वार्डन कैसे होते हैं हॉस्टल्स के? हॉस्टल के वार्डन जो हमारे, मतलब हॉस्टल के वार्डन का क्या रोल होता है स्टूडेंट के लिए? हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते हैं वही हमारे वार्डन होते हैं। अच्छा, जो पढ़ाते हैं वही वार्डन भी होते हैं? जी, उनको एक्स्ट्रा कार्यभार दिया जाता है। और अभी डॉक्टर मीणा जी हैं, बहुत अच्छे वार्डन हैं हमारे। अच्छा, एक एक हॉस्टल में आप जैसे कि बताए इस वाले हॉस्टल में 300 सीट है, मतलब 300 रूम है, 600 सीट है, तो सीट वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है कि सेशन में कितना लोग आ रहे हैं, कितने बहुत लोग एडमिशन लेने के बाद भी छोड़ के चले जाते हैं तो खाली रह जाते हैं, लेकिन हॉस्टल का 300 रूम दिया गया है। तो हाँ, 300 रूम दिया गया है, 300 रूम दिया गया है, और एक रूम 2 लोगों के हिसाब से रखा गया है। तो हॉस्टल, ये जो हॉस्टल वार्डन कितने हैं यहाँ पे, कितने वार्डन? तीन वार्डन रखे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन होता है, दो वार्डन होता है, 8 × 16 = 24, 240 छात्र पे 3 वार्डन, लेकिन लगभग 600 की क्या है? आप यूजी में चले गए, यूजी में छात्रों की संख्या 450 के अप्रोक्स है। नहीं, एक BHU का एक प्रावधान है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप डायरेक्ट गूगल पे जाइए और सर्च करिए BHU हॉस्टल्स, तो सारा प्रॉस्पेक्टस खुल के चला आएगा। तो वार्डन के सेक्शन में नीचे लिखा हुआ, मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, वार्डन के सेक्शन में लिखा हुआ कि 80 लोग पे एक वार्डन, 80 लोग से बड़े तो दूसरा वार्डन, तो मतलब 8 × 16 160 लोग हुए तो 2 वार्डन, 180 हुए तो 3 वार्डन, 180 छात्र हुए 3 वार्डन, तो यहाँ पे 600 हैं तो लगभग 5-6 वार्डन रख, 600 स्टूडेंट। रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है ना, यूजी PhD में आके बच्चे सिंसियर हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ वार्डन का ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि बच्चे समझदार होते हैं। वार्डन की दिक्कत होती है यूजी में, यहाँ पे बच्चे नए नए आते हैं, नए नए माहौल को उस परिवेश में ढल नहीं पाते, थोड़ी सी गलतियाँ करते हैं, लेकिन PG में आने के बाद लोग मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर, और ये
इंटरेक्शन क्या है, मतलब आप लोग इतने अच्छे से खड़े हैं यहाँ पे, ये तो दिख रहा है छात्रों के बीच में इंटरेक्शन हमेशा ऐसे ही बना रहता है, संतुलन है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातें को शेयर करते हैं, सीनियर लोग सपोर्ट करते हैं और जूनियर लोग, हम लोग अपना डिग्निटी मेंटेन किए रहते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं अपने सीनियर से। यही इस हॉस्टल की खूबसूरती है, इस एग्रीकल्चर की सबसे अच्छी खूबसूरती है इंटरेक्शन, मतलब आते ही आप 10 दिन में घुल मिल जाएंगे सबसे। बिल्कुल। अच्छा, ये छासंग बंद कर दिया गया बीएचयू में, तो फिर भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लोग कहीं ना कहीं छात्र नेता हर चौराहे पे घूम रहे होते हैं, पॉलिटिकल एंगल क्या है, मतलब पॉलिटिकल माहौल में कुछ है? नहीं, यहाँ पर सब अपने काम से काम रखते हैं। देखिए पीएचडी वालों को, उनको रिसर्च से मतलब, अगर आप साइंस के फील्ड में रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना टाइम ही नहीं कि आप राजनीति में टाइम दे पाएं। नहीं, टाइम दे पाएं। सिर्फ ये आर्ट्स और सोशल का मुद्दा होता है ज्यादातर, मुद्दा नहीं होता, सब्जेक्ट ही वही है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, सोशल समाज। अब हम लोग एग्रीकल्चर के, अभी हम लोग आज दिख रहे हैं, कल सुबह से 6 बजे से रात 9 बजे तक अपना काम करेंगे, कोई फील्ड का कर रहा है, कोई मॉलिकुलर काम कर रहा है, बहुत ज्यादा मतलब काम करना होता होगा, मतलब लैब वर्क रहता है, फील्ड वर्क रहता है, सबका अपना अपना रहता ही है। तो रिसर्च में मतलब एक दिन में कितना समय देना पड़ता होगा अपने काम के लिए? आप आपका काम जितना हो उसके बेसिस पे आप होल्ड करिए, नहीं करने तो रूम पे आके बैठिए, लेकिन लड़के यहाँ करते हैं। अच्छा, ये रिलीजियन एंगल कुछ है यहाँ पे, रिलीजियस एंगल की कोई, वो हिंदू है मुस्लिम है, कोई हॉस्टल में ये सब, इतने बड़े विश्वविद्यालय में ये सब कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता, हर धर्म के मतलब स्टूडेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, लगभग सब है, तो वसुधैव कुटुंबकम की इच्छा मन में सब लोग लेके रखते हैं। अच्छा, कोई हिंदू मुस्लिम के कोई भेदभाव नहीं है अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ ना होगा, ना होगा भी। अच्छा, आप लोगों के, मैं कैंटीन में गया, मेस में गया, तो आप बता रहे थे 4 में से 2 अनफंक्शनल है, 2 फंक्शनल है और 1 कैंटीन है, मतलब 3 चीज़ें हैं, तो क्या कैसी सुविधा है, व्यवस्था क्या है? कोविड की वजह से वहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंस वगैरह वो मेंटेन की गई है, इस वजह से 2 अभी मैस जो है अनफंक्शनल करवा रखी हैं वार्डन साहब ने, और बाकी जो 2 मैस हैं वो भी अपना हाइजीन मेंटेन करके अपना स्टूडेंट्स को सभी जो भी है खाना वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, ये कह रहे थे कि आउटसाइडर अलाउड नहीं है खाना, ऐसा भी कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बीएचयू के बच्चे आके खाना खा सकते हैं, खा सकते हैं, आप बाहर के नहीं आते, मतलब कैंपस के बाहर का कोई व्यक्ति खा सकते हैं, बट अगर जैसे कि उनका हॉस्टल अगर चल रहा है, उनका मेस वगैरह चल रहा है, तो मतलब प्रेफरेंस उनको दिया जाता है कि वो अपने ही हॉस्टल में जाके अपने ही हॉस्टल में खाएं। अगर कोई विशेष बात रहती है तो वो वार्डन वगैरह की परमिशन से, मतलब बीएचयू में छात्र कभी कभी होता है ना कि टेस्ट से उब जाते हैं, तो वो दूसरे हॉस्टल की तरफ भागते हैं कि थोड़ा सा ट्राई किया जाए, तो वो ट्राई कर सकते हैं, मतलब आकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। अभी तो आपने देखा ही मेस में। हाँ, देखा मेस में मैंने देखा, कैंटीन में भी, कैंटीन ये 24 घंटा ऑपरेटर होता है, कैंटीन की बंद हो जाता है? नहीं, देखिए रात को जो सोने का टाइम होता है 11 बजे तक, वो फिर उसके बाद रेस्ट करता है अपना। 11 बजे तक कैंटीन चलाने का क्या मतलब, तब तो मेस चल रहा होता है 11 बजे तक, 10-11 बजे नहीं, रिसर्च स्कॉलर है, किसी को नहीं खाने का मन है रात को, तो कोई स्नैक्स में भी काम चला रहा है, तो इसमें। अच्छा, ये सब सारी चीजें हैं। जी जी। अच्छा, अगर आपको 24 घंटे नहीं मतलब वर्किंग आवर्स में मिल सकती है। अच्छा, आप लोग ये रूम में रह रहे हैं और ये लॉबी काफी साफ सुथरा है जी, तो मतलब इसके लिए स्टाफ रखे जाते हैं क्या? जी सभी हर लॉबी के लिए स्टाफ होते हैं, MTSH करके, MTS करके कुछ स्टाफ, पहले ये अब MTS होकर, पहले यहाँ BHU खुद रिक्रूटमेंट करता था, वो उनके बेस वो वही अभी तक हैं, और हर लॉबी में एक लॉबी सर्वेंट होता है। अच्छा, एक लॉबी वो हो गया, तो वो रूम भी हमारा साफ करते हैं क्या? रूम भी साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं रूम में, हम अपना झाड़ू लगवा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। वो आपके ऊपर है, मान लीजिए आप रात में रात भर पड़े हैं तो दिन में सोए रहे, खटखटाए नहीं है अच्छे, लेकिन आप कभी भी बुला के लगवा सकते हैं, मतलब ये उनका काम है, इनके लिए उनको पे किया जाता है, BHU पे करती है, तो आप बिना कोई हेजिटेशन के उनसे साफ करवा सकते हैं। कल्चरल फेस्टिवल क्या बाल गंगाधर तिलक में ऐसा कुछ होता है माहौल? एग्रीकल्चर का पूरा होता है सृष्टि, कल्चरल सृष्टि, सृष्टि IAS, IAS BHU, तो सृष्टि BHU में, ये तो पूरा SRK का फिर मिला दिया गया, SRK BGT और रानी लक्ष्मी एग्रीकल्चर का, ये पूरा एग्रीकल्चर का एक इवेंट होता है सृष्टि। सृष्टि और कहाँ कंडक्ट कराते हैं इसको? स्वतंत्रता भवन, नहीं तो अब तो हमारा भी ऑडिटोरियम बन गया। अच्छा, ऑडिटोरियम बहुत काफी बड़ा बना है लोकल ऑडिटोरियम, भी न्यूली मेड ऑडिटोरियम, 2-3 साल पहले इनॉग्रेट हुआ। अच्छा, तो मतलब इसमें लड़का लड़की UG PG नेट JRF सबके सब लोग भाग लेते हैं, मतलब पूरी पीढ़ी उसमें आ जाती है एक तरीके से, इनफैक्ट टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं।
टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें क्या है? वो बता रहे थे मुझे कि ऐसे राइट कंपटीशन और यही सब सारे इवेंट्स होते हैं, सारे इवेंट आप लिटरेरी इवेंट से उठा लीजिए, आप स्पोर्ट्स इवेंट से उठा लीजिए, आप कल्चरल इवेंट से उठा लीजिए, सारे इवेंट्स होते हैं आपके और सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं होता वो दो तीन दिन मिनिमम चलता है तीन दिन चलता है तो तीन दिन मतलब रंगारंग कार्यक्रम एकदम वही मतलब एक तरीके से हुआ अब बोल सकते हैं तीन दिन के लिए है तीन दिन का फेस्ट हमारा चलता है तीन दिन का फेस्ट चलता है उसके बाद भी आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं ये जो यूनिवर्सिटी स्पंदन होता है जी 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 हमारे यहाँ से सृष्टि में जो विनर्स होते हैं जिन्होंने पोजीशन होल्ड की होती है उनको हम लोग भेजते हैं स्पंदन में पार्टिसिपेट करने के लिए अच्छा तो मतलब ये साइंस फैकल्टी का आकांक्षा हो गया जी आर्ट्स फैकल्टी का संस्कृति हो गया और इसका सोशल साइंस का विकल्पन हो गया और आपका सृष्टि हो गया जी मैं पिछले वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया दिमाग में यही है अभी क्लियर हो गया ये मतलब सृष्टि उसमें से जो पार्टिसिपेट करता है जो विनर्स होता है वो स्पंदन यूनिवर्सिटी लेवल पे परफॉर्म करता है अच्छा एग्री नेशनल हमारा अलग होता है वो नेशनल अलग होता है अच्छा एग्री नेशनल ऑल ओवर एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज होती है स्पोर्ट्स का इवेंट कंडक्ट कराती है जहाँ से सारे एग्रीकल्चर के बच्चे आते हैं जो खेलने कूदने में एक्सपर्ट अच्छा वहाँ से अलग से हमारे एक एग्री नेशनल फेस्ट होता है तो यहाँ से भी सेलेक्ट होके हमारे यहाँ शायद सात से सेलेक्ट होके बच्चे वहाँ जाते हैं सात हमारे एक स्पोर्ट्स इवेंट है एग्रीकल्चर स्कूल आपने बताया जो ग्राउंड की बातें बताते समय अच्छा ICAR के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसका क्या है मतलब उससे भी MSc से लोग किए हुए यहाँ पे आते हैं क्या क्योंकि ICAR JRF के थ्रू MSc के साथ आते हैं ICAR SRF से भी आते हैं मतलब UG में भी आते हैं ICAR के थ्रू PG में भी आते हैं और कितनी कितनी सीट होती है भैया UG में कितनी सीट है ICAR की 15 सीट है और PG में कितनी PG में तो अलग अलग डिपार्टमेंट बटी होगी तो उसका मतलब एक डिपार्टमेंट में तीन सीट होती है और ऐसे 15 होती है UG में यूजी में कुछ परसेंटेज है 10% शायद और रिसर्च के लिए तो ऐसे में होती है पीएचडी में दो सीट हर प्रोफेसर के अंडर में दो सीट होती है डिपार्टमेंट वाइज में दो सीट प्रोफेसर वाइज नहीं डिपार्टमेंट वाइज एक दो डिपार्टमेंट में दो सीट होती है अच्छा मतलब यूजी में 15 सीट पीजी में 3 सीट और चार भी है जितने भी डिपार्टमेंट है मतलब एग्रीकल्चर में कम से कम हमको लगता है कि 10 से 12 डिपार्टमेंट है 12 डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट में तीन तीन चार चार सीट है मास्टर्स में और रिसर्च स्कॉलर में चार सीट है दो सीट है बस इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे कॉमन रूम है क्या आपके यहाँ बाल गंगाधर तिलक में आप अभी जहाँ से एंट्री लिए उसके ठीक ऊपर कॉमन रूम में टीवी भी लगा है क्या उसमें क्रिकेट विकेट देख सकते हैं हम अच्छे से आराम से अच्छा इलेक्ट्रिक मतलब बिजली और पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे बिजली पानी दे देते हैं सोलर पैनल भी लग चुका है तो लगता है कि वाईफाई लगा हुआ है अच्छा साथ में आरओ लगे हुए हैं अच्छा वाटर कूलर भी की व्यवस्था है अच्छा इलेक्ट्रिक अप्लीकेंसेस हम क्या यूज़ कर सकते हैं हैवी कोई इलेक्ट्रिक जैसे लोग अलाउड नहीं है आप ब्रश यूज कर सकते हैं बट हीटर वगैरह इंडक्शन हीटर ये सब नहीं यूज़ कर सकते ओके रूम में कुकिंग अलाउड नहीं अच्छा पेट अलाउडेड है कि नहीं कोई अगर कोई पालतू जानवर रखना चाहता है ये सब अलाउडेड नहीं है और लाइब्रेरी है क्या आपके हॉस्टल में तो लाइब्रेरी एक होनी चाहिए क्या एक लाइब्रेरी होनी चाहिए वाईफाई और इंटरनेट के बारे में एट लास्ट पूछूंगा मैं क्या है वाईफाई इंटरनेट 24 घंटे सभी के पास अपना आईडी पासवर्ड है पर स्टूडेंट्स को दिया गया है तो वो अपना कभी कनेक्ट करके वाईफाई से एक दिन में 4 GB यूज करने के लिए भी मिलता है रिसर्च के लिए क्या अनलिमिटेड होता है कि 4 GB ही होता है नहीं 4 GB पर स्टूडेंट तो ये कम नहीं पड़ता 4 GB कम पड़ता है तो दूसरे का प्रॉक्सी पासवर्ड ले लो तो एक बार लॉगिन करने के बाद लॉग आउट भी तो नहीं होता है दूसरे फोन में कर ले यार दूसरे फोन में तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल MSc मतलब मास्टर्स और रिसर्चर के लिए है सिर्फ UG के लिए हमारा SRK है डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधा कृष्णन हॉस्टल लड़कियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई और लड़कियों के में मतलब UG PG वहाँ रखते हैं रिसर्च वालों को कहाँ रखते हैं अच्छा त्रिवेणी में भी कुछ एग्रीकल्चर वालों को रखा जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा ये सब छोटी छोटी जानकारी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए स्पेशल थैंक्स टू यू तो मिलते हैं
थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन छूटा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको सारी क्यूरी सॉल्व करने में एक मदद करेंगे और देखेंगे कि नहीं हमारी जर्नी आपके साथ कहां तक जाती है। हम एक एजुकेशनल ब्लॉग बनाते हैं और अपने हर ब्लॉग पे खरे उतरेंगे। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में एक अलग अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।